दोस्तों, कैसे हो? रफ़ी के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मैं एकदम आसान तरीके में छोटी सी वीडियो में मैं आपको सॉस से लेके और लास्ट पिज़्ज़ा तक बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा चालू करते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा टमाटर। टमाटर करीब हमारा 200 ग्राम है और उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, खूब अच्छी तरह से गलने तक इसको पकाते हैं। तो 10 मिनट समथिंग कुछ लग जाएगा, तो इसको ढक देते हैं और तब अगला स्टेप हम बताते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, मेरा जो टमाटर है शायद आपको दिख रहा होगा, बैठ चुका है अच्छी तरह से। करीब करीब 15 मिनट हो गया मुझे, आप इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह तो बढ़िया हो गया है एकदम। अब इसको थोड़ा सा हम यूं कर देते हैं ताकि अच्छी तरह फूट जाए और इसके बाद में इसको अब हम और 2 मिनट के बाद इसे हम पीस देते हैं। तो अब इसे हम पीस देते हैं। टमाटर मेरा हो गया, गैस पहले बंद करते हैं और इसको थोड़ा देर ठंडा करते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर इसको पीसते हैं। तो अब इसे हम पीस लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा रेडी हो गया है, पीस लिया हमने। अब अगला स्टेप दिखाते हैं आपको। तो मैंने अभी सबसे पहले चूल्हा चालू किया है, गैस ऑन है मेरा, और ये थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं। तो अभी जैसे मैं प्याज डाल रहा हूँ, अगर हो सके तो आपको इससे पहले अगर थोड़ा सा चॉप करके बेसिल डाल दें, बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। तो मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं डायरेक्ट प्याज डाल रहा हूँ। अब इसको थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, पका लेते हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे डार्क नहीं करना है। अब इसी के अंदर आपको लहसुन डाल देना है चॉपिंग, और इसे भी अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये अब ये हम टमाटर डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। थोड़ा सा इसी के अंदर नमक डाल देना है, आधा टेबल स्पून से आधा, आधा टीस्पून से आधा डाल देना है आपको ओरिगैनो, और आधा टीस्पून से आधा शक्कर डाल देना है इसी में, आधा के आधा वाइट पेपर और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आपको डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा ना लगे तो फिर मुझे कमेंट नहीं करना, और नहीं तो फिर आपको लगेगा, एक बार मेरी रेसिपी ट्राई की और आपको लगा कि नहीं पिज़्ज़े में दम है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब थोड़ा सा हमें उसके अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा टमाटर केचप इसी के अंदर डाल देना है। इसको इतना टाइट है टमाटर केचप कि घिरना ही मुश्किल हो जाता है। अब टमाटर केचप को भी इसी के अंदर से आपको खूब अच्छी तरह से मिला देना है। तो पिज़्ज़ा को सॉस को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। खाली आपको पहले वो प्यूरी बनाना, बॉयल करना टमाटर को, उसको पीसना, उसमें समय लगता है, इसके अंदर कोई समय नहीं लगता। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया है और अब गैस बंद करते हैं, अगले स्टेप दिखाते हैं। तो इसे अब हम बॉल में डाल देते हैं, ये तब तक हमारा ठंडा भी होगा। तो ये मैंने चिकन टिक्का ले लिया है कुछ, और ये चिकन टिक्का को क्या किया है, हमने क्यूब टाइप में छोटे छोटे काट लिए हैं। तो ये जो वाइट दिख रहे हैं, और थोड़ा सा और तेज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बॉल के अंदर हमें इसको डाल देना है और इसको थोड़ा सा और चटपटा कर लेना है। तो चटपटा क्योंकि हम भाई इंडियन हैं और इंडियन लोग थोड़ा सा चटपटा एशिया के लोग खाते ही हैं, तो मैं दिखाता हूँ चटपटा कैसे करना है। थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ज़रा सा इसके अंदर काला नमक, थोड़ा सा इसके अंदर आपको डाल देना है लेमन। अब मसाला हमारा लिपट जाए इसके लिए क्या करना है कि हमें थोड़ा इसके अंदर बटर डाल देना है और इसे वापस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आपने देखा होगा कि मैंने जो सॉस बनाया है उसके अंदर बटर या ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो उसके अंदर बटर डाल सकते हैं, लेकिन हमने बटर नहीं डाला है। तो ये मेरा हो गया है, अब दिखाते हैं आपको पिज़्ज़ा बना के। हमने एक बेस ले लिया है और अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं सॉस। सॉस का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि
पिज़्ज़ा खाएं तो खाली रोटी रोटी आपको ना लगे। तो ये हमने चारों तरफ बढ़िया से लगा दिया है, कभी भी आप सॉस ज़रा भरपूर लगाएं। अब इसी के अंदर हमें चिकन टिक्का डाल देना है। तो ये हमने चिकन टिक्का डाल दिया है और हमने ऑयलिव नहीं डाला। ऑयलिव हम इसलिए नहीं डालने वाले हैं क्योंकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जब भी हम बनाते हैं तो उसको अगर आप ऑयलिव डाल देते हो तो ऑयलिव की वजह से आपको चिकन टिक्का टेस्ट कभी नहीं मिलता है, तो इस वजह से हम ऑयलिव नहीं डालते, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अब पहले हम चीज़ डाल देते हैं। तो हमने नीचे नहीं रखा था, ऊपर रखने वाले हैं हम। और ये हो गया, और कुछ शिमले लगा देते हैं। थोड़ा सा चीज़ और डालेंगे ताकि ये इसको अच्छी तरह से पकड़ ले। और अब हम इसे ले जाके डाल देते हैं। तो इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं, ओवन हमने चालू कर दिया है और अब इसे थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि बराबर इसको गर्मी लगे। तो ये 10 मिनट करीब करीब हमारा लगने वाला है, तब तक के अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम ओरिगैनो डाल देते हैं, आपको दोबारा डालने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल देते हैं, अब आपको अलग से बाद में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे और 5 मिनट के लिए रख देते हैं और बढ़िया से हमारा सेट हो जाएगा। तो ये मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है, अब इसे मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया करारी भी है। और इसे अब हम कट कर देते हैं। तो ये मैंने पिज़्ज़ा रेडी कर दिया है और इसके ऊपर केचप डाल देते हैं, मस्त एकदम जूसी सा। और हमारा काम कैसा लगा आपको बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, हमारे पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी आपको लोगों को। तो मेरा काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की रेसिपी हमारे कंप्लीट हुई, फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।